दोस्तों, विधि आयोग ने बुधवार को समान नागरिक संहिता के मसले पर नए सिरे से परामर्श मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने आम लोगों और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। विधि आयोग के इस कदम के बाद समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, तो हमारे लिए जरूरी होता है कि इसको विस्तार से समझें। इसमें क्या नई चीज़ हुई है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और फिर कोई भी करंट मुद्दा आता है तो उसके बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम समझते हैं आखिर ये समान नागरिक संहिता क्या है, संविधान इस पर क्या कहता है और इतिहास क्या है इसका, नागरिक कानून आपराधिक कानून से कैसे अलग होता है, समान नागरिक संहिता से क्या बदलने वाला है या फिर क्या बदलेगा आने वाले समय में, और समान नागरिक संहिता पर बहस इस समय क्यों हो रही है, इन सभी चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या पहली बार इसे लेकर राय मांगी गई है या इससे पहले भी इस पर कुछ चर्चाएं या फिर इसके बारे में राय ली गई है। दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराय अवस्थी की अगुवाई वाले विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए दोबारा से राय मांगी है। आयोग ने बुधवार को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर लोगों और हितधारकों से 7 अक्टूबर 2016 को राय मांगी थी। 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को फिर से इसे दोहराया गया था। इसके बाद 31 अगस्त 2018 को विधि आयोग ने नागरिक कानून के सुधार के लिए सिफारिश की थी। हालांकि पिछली राय को 3 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, ऐसे में विषय की गंभीरता और कोर्ट के आदेशों को देखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर फिर से राय लेने का फैसला किया है। समान नागरिक संहिता है क्या, सबसे पहला ये क्वेश्चन उठता है और इसको समझना जरूरी है। देखिए, समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी हो, तलाक हो या गोद लेने या फिर जमीन जायदाद के बंटवारे समेत सभी धर्मों के लिए ये कानून क्या होने वाले हैं, सभी एक कानून होगा। ये मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। UCC केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा करने वाली ये पहली पार्टी थी, और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहा था। अब समझते हैं कि संविधान इस पर क्या कहता है, समान नागरिक संहिता में संविधान में क्या लिखा गया है। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है कि इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना और देश भर में अनेक प्रकार की जो सांस्कृतिक समूह हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन फिलहाल ये स्वैच्छिक रहना चाहिए। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के रूप में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में इनको जोड़ा गया था। इसे संविधान में इस नज़रिए के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और समान नागरिक संहिता को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकती है। तो इसीलिए अभी सभी से दोबारा से एक बार फिर राय लेने की बात यहाँ पर को शुरू हो गई है। अब समझते हैं इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। UCC यानी कि समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड की जो उत्पत्ति होती है तो वो औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानूनों की एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। विशेष रूप से इसमें यह सिफारिश की गई थी कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून, जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ आपने सुना होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो इन कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए या बाहर किया जाए। ब्रिटिश सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए B.N. राव समिति बनाई गई थी। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। इसके साथ ही समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दों में भी नागरिक संहिता की सिफारिश की थी। हिंदू कोड बिल क्या है, इसको समझते थोड़ा सा।
तो राव समिति की रिपोर्ट का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को सौंपा गया था। ये प्रारूप 1951 में संविधान को अपनाने के बाद चर्चा के लिए आया था। चर्चा के बीच ही हिंदू कोड बिल समाप्त हो गया और 1952 में दोबारा इसको प्रस्तुत किया गया। बिल को 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में अपनाया गया ताकि हिंदू और बौद्ध, जैन और सिखों के बीच वसीयत या फिर उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध किया जा सके, ठीक है, उसको एडिट किया जा सके और एक जो है क्रमिक रूप में लिखा जा सके। अधिनियम ने हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार किया और महिलाओं को अधिक संपत्ति अधिकार और मालिकाना हक दिया। इसने महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में अधिकार दिया था, तो उस समय से ये चीज आप समझ सकते हैं। नागरिक कानून और आपराधिक कानून के बीच क्या अंतर होता है? ये दोनों में कुछ अंतर है, नागरिक कानून और आपराधिक कानून जो है इनके बीच में क्या अंतर है इसको समझते हैं। भारत में आपराधिक कानून समान है और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। वहीं दूसरी ओर नागरिक कानून धार्मिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं, दो चीज़ें अलग अलग हैं। दीवानी मामलों में लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून को हमेशा धार्मिक ग्रंथों के आधार पर संवैधानिक मानदंडों के अनुसार लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता क्या करेगी, क्या होगा इससे, इसको थोड़ा समझते हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे अनेक जो कानून हैं इनकी जगह पर केवल एक कानून आ जाएगा जिसको आप UCC यूनिवर्सल सिविल कोड के नाम से जानेंगे। समान नागरिक कानून तब सभी धर्मों पर लागू होगा चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि ये लैंगिक समानता की को बढ़ावा देने और धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली की को सरल बनाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर विरोधियों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदायों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपका भी अपना विवेक, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना क्या आप इसके पक्ष में हैं या फिर आप इसके विपक्ष में हैं, इसके बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। इस पर केंद्र का क्या रुख है, केंद्र इस पर क्या मानता है? केंद्र ने पिछले साल समान नागरिक संहिता पर उच्चतम न्यायालय में अपने हलफनामे में कहा था कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग अलग अलग संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करते हैं जो देश की एकता के खिलाफ है। अक्टूबर 2022 में एक याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा था कि अनुच्छेद 44 संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य को मजबूत करता है। मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में कहा था कि विषय वस्तु के महत्व और इसमें शामिल संवेदनशीलता को देखते हुए विभिन्न समुदायों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्र ने भारत के विधि आयोग से UCC संबंधित मुद्दे की जांच करने और उनकी सिफारिश करने का अनुरोध किया था। तो साथियों, यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न यहाँ से उठते हैं और इस पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है, इससे हमने आपको समझाने की कोशिश की कि UCC क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड, नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता, और इसके संवैधानिक पहलू, संविधान इसके बारे में क्या कहता है, और केंद्र सरकार का क्या मानना है केंद्र का, और बाकी चीज़ें हिंदू कोड बिल क्या है, और ये सारी चीज़ों पर हमने इसमें प्रकाश डाला। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए और हमारे साथ विभिन्न प्रकार की एजुकेशनल मटेरियल के हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।